हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जॉबलेस फैमिली। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे पोस्ट में आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट दिया गया है जहाँ पर आप लोग उसके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन सभी पोस्टों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर जो 10 वैकेंसी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर जनरल ड्यूटी के लिए 10 वैकेंसी, उसके बाद नर्स पदों के लिए 40 वैकेंसी, उसके बाद मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो 30 वैकेंसी, उसके बाद हाउस कीपिंग असिस्टेंट के लिए 30 वैकेंसी, उसके बाद हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है 8 वैकेंसी जारी किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर जो जो चीज़ बोला गया वो भी जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आप लोग को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए और कहाँ कहाँ आप लोग को जाना होगा। तो 1 तारीख से लेकर 3-7 के बीच में आप लोग का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो भी 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के हम लोग, मतलब जो जो कैंडिडेट जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को आना होगा। यहाँ पर जो ऑफिशियल वेन्यू दिया गया है ऑडिटोरियम, नॉर्थन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, बसंत लेन, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आके आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट 6 तारीख को 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में CMP, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो स्पेशलाइजेशन और जनरल ड्यूटी हैं सभी का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, वो भी सेम प्लेस पे। उसके बाद 7 तारीख को नर्स के लिए, उसके बाद 8 तारीख को यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट और हाउस कीपिंग असिस्टेंट वाले यहाँ पर जो है इंटरव्यू देंगे। तो यहाँ पर जो डेट और टाइम जो यहाँ पर जो सेम ही दे दिया गया है। तो उसके बाद बात करें कि इसके लिए आप लोग का यहाँ पर सैलरी जो है बहुत अच्छा ही यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए 53 ईयर अपर एज रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है नर्स के लिए 33 ईयर, उसके बाद मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए 33 ईयर रखा गया, उसके बाद हाउस कीपिंग असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर 33 ईयर, उसके बाद हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर जो है टोटल आप लोग का जो अपर एज वो भी यहाँ पर जो है 33 ईयर रखा गया है। उससे इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर और एक चीज़ बोला कि आप लोग का जो क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले जनरल ड्यूटी डॉक्टर के लिए MBBS पास आप लोग का होना होगा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए भी यहाँ पर 6 MBBS पास आप लोग को होना होगा। उसके बाद नेक्स्ट नर्स के लिए आप लोग के पास क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग होना होगा और आप लोग को रजिस्टर होना होगा एज ए नर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो बोला गया है वो है मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन 10 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके बाद हाउस कीपिंग असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर जो है 10 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके बाद हाउस कीपिंग जो हॉस्पिटल असिस्टेंट है तो उन सब के लिए भी यहाँ पर जो है 10 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ नहीं बोला गया कि आप लोग को डायरेक्ट चले जाना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, उसको आप लोग को फिलअप करके उसके साथ सभी जो ओरिजिनल उसके साथ अटेस्टेड कॉपी भी आप लोग को, जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप लोग को लेके जाना होगा। दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।